हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं देवेश ऑटो व्लॉग। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यह है हुंडई वेन्यू का एन लाइन, जो कि भी हुंडई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। i20 में भी एन लाइन आता है और इसमें हुंडई में भी एन लाइन लॉन्च कर दिया। अब इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें, जो N6 वेरियंट है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 12,16,000 रुपये। ये वाला टॉप वेरियंट है N8 टर्बो DCT DT, इसकी प्राइस की बात करें 13,30,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। अब इस N8 वेरिएंट में क्या कुछ मिल जाता है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर है उसमें थोड़े अपडेट किए गए हैं, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट वेन्यू बनाई गई है एन लाइन। जैसे कि आपने i20 में भी देखा होगा, सेम उसी तरीके से इसके अंदर चेंजिंग की गई है, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, जो कि 118 bhp पावर निकालता है और 172 nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। ये बात होगी इंजन की। अब इसके की बात करते हैं, तो की आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको मैं दिखाता हूँ की किस तरीके मिलती है। यहाँ पर आप देखते हैं स्मार्ट की मिलती है, जैसे कि आपने टॉप वेरियंट में देखा होगा एल्काज़ार में और क्रेटा में, सेम उसी तरीके की मिलती है। लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं और इसको होल्ड करके रखेंगे तो इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। फ्रंट से भी मैं आपको चेक कराता हूं फ्रंट में क्या कुछ मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुंडई का लोगो मिल जाता है, क्रोम की फिनिश में, डार्क क्रोम की, और क्रोम की फिनिश में पूरी ग्रिल दी गई है, जैसा कि नॉर्मल हुंडई वेन्यू में देखा होगा आप, सेम उसी तरीके से इसकी ग्रिल मिल जाती है। यहां पर एन लाइन की बैजिंग दी गई है, कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हैं क्रोम की फिनिश में एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ऐड किया गया है क्रोम के अंदर, साइड के अंदर, और ये पियानो ब्लैक की फिनिश और यहाँ पर क्रोम की फिनिश ऐड की गई है। यह है इसका ओवरऑल ग्रिल का फ्रंट का लुक। इसके हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके का हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और हेलोजन बल्ब मिलता है, जो कि LED लाइट प्रोड्यूस करता है। चारों तरफ DRL मिल जाती है, सेम उसकी देख रही। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन बल्ब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है। नीचे की साइड कोई फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है इसके अंदर भी। यहाँ पर नीचे की साइड आपको इसका प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर में, और यहाँ पर इसके अंदर जगह जगह पर रेड का टच दिया गया है, जिससे कि बहुत अच्छा लगता है इसका लुक इस रेड के टच से, और इस ब्लू पे अच्छा खासा कॉम्बिनेशन लगता है। ये इसका ओवरऑल फ्रंट का लुक। अब इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो मैं आपको इसके साइड प्रोफाइल भी चेक कराया था, साइड के प्रोफाइल में भी रेड का टच भी दिया गया है और इसके अंदर अलॉय व्हील्स भी चेंज किए गए हैं नॉर्मल हुंडई वेन्यू के कंपेयर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है इस तरीके से, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और जिसके क्लिपर्स देख रहे हैं ये भी रेड कलर के मिलते हैं। MRF का टायर मिलता है इसके अंदर, और ये इसके साइज़ की बात करें तो 215/60 R16 इंच का इसके अंदर टायर मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लैडिंग दिख रही है, फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, और क्लैडिंग के ऊपर ही आपको यहाँ पर रेड का टच मिल जाता है, जो कि जगह जगह यूज किया गया है। यहाँ पर फेंडर पर एन लाइन की बैजिंग मैंशन की है, हर जगह इसकी एन लाइन की बैजिंग मैंशन की है। और इसके ORVM की बात करें तो ये डुअल टोन कलर है, ब्लू प्लस ब्लैक, तो ये इसका ORVM ब्लैक कलर में आता है। ऑटो एडजस्ट और ऑटो फोल्डेबल मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है LED में। साइड में आप देख सकते हैं, साइड में डोर क्लेडिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको रेड का टच मिल जाता है, पियानो ब्लैक का टच दिया गया, जिससे कि थोड़ा प्रीमियम लगता है और इसकी कॉस्ट भी बढ़ती है इन चीज़ों से, इसलिए ये दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं A-pillar रूफ कलर में दिया गया है पियानो ब्लैक की फिनिश में, जिसका जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम की फिनिश वगैरह नहीं मिलती, की सेंसर मिल जाता है, कीलेस एंट्री वगैरह बॉडी कलर में मिलता है। और इसका B-pillar आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्लैक मैट की फिनिश मिल जाता है, C-pillar आपको बॉडी कलर में मिलता है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा लगता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेड की फिनिश दी गई है इसके क्लैडिंग के ऊपर। अब इसका रियर का लुक आपको चेक करा, तो रियर का लुक भी उसी तरीके का लगता है नॉर्मल वेन्यू की तरह ही, बस थोड़ा सा स्पॉइलर इसका चेंज कर दिया और ये चेंज कर दिया। अब चलते हैं इसके सेंटर में, यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है क्रोम की फिनिश में, नीचे की साइड क्रोम की फिनिश में हुंडई की बैजिंग दी गई है। यहाँ पर आपको एन लाइन की बैजिंग मिल जाती है साइड में, और नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा दिया गया है। नीचे की साइड आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर में, और दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड का टच दिया गया है, जो कि प्रीमियम लगता है और लुक भी इन्हेंस। यहाँ पर दो एडजस्ट पाइप लगते हैं, एडजस्ट पाइप से थोड़ा इसका लुक और भी इन्हेंस हो जाता है। डुअल एडजस्ट पाइप से ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी स्पोर्टी टाइप गाड़ी लगती है ये। रियर में आपको डिफोगर मिल जाता है, और वाइपर भी रियर में दिया गया है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और स्पॉइलर आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं मिलता, पर इंटीग्रेटेड जैसा लगता है प्लास्टिक में स्पॉइलर दिया गया है। ऊपर की साइड शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और इसके अब टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प का सेटअप आपको सेम उसी तरीके का मिलता है, जैसा कि आपने नॉर्मल वेन्यू में देखा होगा, सेम उसी तरीके यहाँ से आप इसका पूरा ऑलवेज ऑन मोड पर रहती है ये लाइट, जो कि बहुत प्रीमियम लगती है। इसका रियर का लुक बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। यहाँ पर आपको ब्रेक प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट ऑन ऑफ होगी, LED में ही लाइट मिलती है। और नीचे की साइड आपको इंडिकेटर मिल जाता है,
ये भी हेलोजन बल्ब में मिलता है, ये एलईडी में नहीं मिलता। नीचे की साइड आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं आइस की शेप में, डुअल रिफ्लेक्टर है, दो इधर दो साइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजन में ही रिवर्स लैंप मिल जाता है, ये एलईडी में नहीं दिया गया। अब मैं आपको इसका इस साइड से भी लुक चेक करा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं ये है इसका साइड का ओवरऑल लुक, साइड से भी थोड़ी स्पोर्टी टाइप बड़ी बढ़िया गाड़ी लगती है। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको रूफ रेल मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में दी गई है, और रेड का टच इसमें दिया गया जो कि बहुत प्रीमियम बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक कलर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड का टच दिया गया है। अब मैं इसका बूट आपको ओपन करके बताता हूँ बूट में क्या कुछ मिलता है। बूट में आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है जो कि कंपनी की तरफ से ही दी गई है। 350 लीटर का इसका बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा डिसेंट स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्प मिल जाता है, और इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो सेम उसी साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है इसके अंदर, 215/60R 16 इंच का इसके अंदर, सेम उसी साइज़ का 16 इंच का इसके अंदर स्पेयर व्हील दिया गया है। मैं बंद कर लेता हूँ बूट और चलता हूँ ड्राइवर साइड डोर की तरफ। ड्राइवर साइड डोर की तरफ क्या कुछ मिल जाता है वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पर आपको की सेंसर मिल जाता है कीलेस एंट्री का, ऑल ब्लैक कलर में इसका डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ ऑल ब्लैक में ही मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ORBM को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में इसका डोर लीवर मिलता है, क्रोम की फिनिश में नहीं दिया गया ना सिल्वर में दिया गया। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और यह देख सकते हैं आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, कुछ इस तरीके से सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पर रेड की स्ट्रेचिंग मिल जाती है जिससे कि इसका रेड का टच मैंने आपको बताया था, रेड का टच जगह जगह यूज किया गया। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। जो सीट्स हैं सीट्स की आपको रिक्लाइन वगैरह आप इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, बाकी इसकी जो हाइट एडजस्ट है वो आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने SX ऑप्शनल में देखा होगा सेम उसी तरीके से यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का लीवर मिल जाता है, टू पेडल्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डेड पेडल दिया गया है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, पियानो ब्लैक की फिनिश है, सिल्वर का यूज नहीं किया गया। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट मिल जाते हैं, इसके भी बीच में रेड का टच दिया गया जो कि प्रीमियम लगता है। अब बैठते हैं इसके अंदर की साइड, अंदर से भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे क्या लगती है, कैसे क्या मिलती है। सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करें तो उससे पहले मैं सीट को थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकूँ। बाकी अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग इसका राउंड शेप में स्टेयरिंग मिलता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं राउंड शेप में स्ट्रेचिंग दिया गया, लेदर शेप में मिलता है। और इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में स्ट्रेचिंग दी गई है। यहाँ पर ये म्यूज़िक के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं N की बेजिंग दी गई जो कि N लाइन को शो करती है। क्रूज कंट्रोल, MID कंट्रोल वगैरह सब इस साइड दिए गए हैं। अब मैं इसका क्लस्टर आपको ऑन करके बताता हूँ इसके क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है। अभी देख सकते हैं इसका डोर ओपन है तो डोर का अलर्ट आ रहा है, कुछ इस तरीके से इसका क्लस्टर ऑन होने के बाद में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका भी इसके अंदर सब कुछ बता देता है कि इस म्यूज़िक में क्या क्या चल रहा है क्लस्टर के अंदर ही। आपको स्क्रीन वगैरह में देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो यहाँ से ही आप चेंज वगैरह करेंगे तो आपको सब वगैरह शो होगा। अभी मैं इसका डोर कर लेता हूँ बंद। यहाँ पर आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन बता रहा है जैसे कि आप किलोमीटर रेंज वगैरह सब बता रहा है, इसके अंदर एवरेज वगैरह सब बताता है। यहाँ पर आपको इस साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है, इधर की साइड आपको RPM मीटर दिया गया है जो कि ठीक है। अभी मैं इसके मोड्स वगैरह चेंज करके बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से इसके मोड वगैरह चेंज करने के बाद में जो आपका इसके क्लस्टर है उसमें किस तरीके से क्या शो होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसके आपको मोड चेंज करके बता देता हूँ एक बार। जो इसका स्टेयरिंग है वो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग नहीं दिया गया इसका। टेलीस्कोपिक होता तो सही रहता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्राइस बता दें। यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं जैसे कि आप इसको मैनुअली ड्राइव भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड ऑल ब्लैक कलर मिलता है, कोई भी दूसरा कलर का टच नहीं दिया गया, बस रेड का टच तो वो इसके सब जगह दिया गया है, हर हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर आपको एम्बेड लाइटिंग मिल जाती है रेड कलर में जो कि बहुत प्रीमियम लगती है, इसका कलर चेंज नहीं कर सकते आप, रेड कलर में ही मिलती है। डैशबोर्ड पूरा कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC वेंट के चारों तरफ भी ब्लैक की फिनिश मिलती है, और जो म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पर आपको 8 इंच के टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टोटल 4 स्पीकर, 2 ट्विटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हेजल लाइट का स्विच मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर डिफोगर के स्विच दिए गए हैं। अब इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं USB पोर्ट मिल जाता है, और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर USB-C पोर्ट दिया गया है फास्ट चार्जिंग के लिए, वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। ये इसका गियर नॉब मिल जाता है, N की बैजिंग है, यहाँ पर रेड का टच है, और ये 7-स्पीड DCT गियर बॉक्स मिलता है क्योंकि ठीक है। यहाँ पर पार्किंग मोड, रिवर्स और मैनुअली
भी ड्राइव कर सकते हैं। मोड दिए गए, 3 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट मोड दिए गए। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर इसका आर्मरेस्ट जो कि लेदर में मिलता है। IRVM इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं मिलता, मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। यहाँ पर SOS ब्लू लिंक वगैरह का जो की है वो दी गई है। सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, पैसेंजर साइड आपको मिरर दिया गया है। लैंप की बात करें तो फ्रंट में आपको 2 लैंप मिल जाते हैं जो कि येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सनरूफ मिल जाता है इसके अंदर आपको, सनरूफ आप देख सकते हैं, पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलता, नॉर्मल सनरूफ मिलता है, बाकी ठीक मिलता है, वाइड सनरूफ है। और ये आपको एक कुछ इस तरीके से ये दिया गया है, यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं, कैमरा वगैरह रहता है ये, क्योंकि आपके अंदर कुछ भी हो रहा है वो आपका रिकॉर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ बता देता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो फ्रंट में ग्लव बॉक्स मिल जाता है, कोल्ड वगैरह का सिस्टम नहीं दिया गया इसके अंदर, ज़्यादा कोई स्पेस नहीं मिलता। यहाँ पर फोल्डेबल पेंडल मिल जाते हैं और सीट्स की कुशनिंग वगैरह सब मिलती है बढ़िया, क्योंकि लेदर में सीट्स मिलती है और रेड की स्ट्रेचिंग दी गई है जो कि बहुत प्रीमियम लगती है, इसकी सीट्स की क्वालिटी वगैरह। बाकी कार प्रीमियम लगती है क्योंकि रेट भी 13,30,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते 15 लाख हो जाती है। तो इसकी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके अंदर जो फीचर्स है वो लोडेड तो फीचर है, पर प्राइस भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सही है फीचर्स वगैरह। थोड़े और फीचर्स हो सकते थे इसके अंदर, पर अब एनलाइन तो एनलाइन की रेट ज़्यादा ही होती है। रियर डोर की बात करें तो रियर में आपको देख सकते हैं सेम ब्लैक कलर में, ऑल ब्लैक में मिलता है, जैसे कि आपने देखा होगा सेम उसी तरीके का डोर मिलता है फ्रंट का जैसा ही। यहाँ पर आपको देख सकते हैं लेदर की फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर भी रेड स्ट्रेचिंग दी गई, बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। अब मैं बैठता हूँ अंदर की साइड, अंदर से बात कर लेते हैं। अंदर देख सकते हैं मेरा लेग रूम मेरे को ठीक मिल रहा है। रियर से डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से लगता है इसका, ब्लैक कलर का क्योंकि प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एसी वेंट के चारों तरफ भी रेड की फिनिश मिल जाती है और ब्लैक में दिया गया है। USB टाइप सी पोर्ट दिया गया जो कि फास्ट चार्जिंग है, जैसे आईफोन वगैरह में आजकल USB-C की पोर्ट आ रहा है। ग्रैप हैंडल मिल जाते हैं फोल्डेबल, रियर में लैंप मिल जाता है जो कि येलो लाइट निकालता है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और आर्मरेस्ट भी दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ में रियर में, पर वो मैं भी बता नहीं सकता क्योंकि ये कार के ऊपर थोड़ी सी पन्नी वगैरह लग रखी है। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम भी मेरे को ठीक मिल रहा है, मेरी हाइट 5'11" है और मेरे को लेग रूम वगैरह ठीक मिल रहा है, बाकी 3 जने आराम से बैठ सकते हैं रियर में। बस ये था वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।